तो ये देखो प्यारे बच्चों, एक YDSC सेटअप है। इस सेटअप में क्या कहा जा रहा है कि यंग डबल स्लिट फ्रिंज विड्थ जो है बीटा यहाँ पे दिया हुआ कितना 0.4 मिलीमीटर, ठीक ना। और एंड फ्रिंज इफ द होल सेटअप, अगर मैं पूरे सेटअप को एक वाटर में डुबा देता हूँ जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ बीटा ऑब्वियसली चेंज हो जाता, दैट इज बीटा डैश हो गया मान लो, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जैसे बीटा डैश हो गया, तो इस बीटा डैश की कैलकुलेशन मुझे करनी है, ठीक है। तो जो बीटा होता है वो होता कितना है, तो बीटा की जो वैल्यू होती है वो फ्रिंज विड्थ बीटा, तो आपको याद होगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, याद होगा। अगर ये चीज़ याद है लैम्डा डी कैपिटल डी, तो ये एयर में है, तो जैसे ही आप इसको लिक्विड में सबमर्ज करोगे तो बीटा डैश हो जाएगा, लैम्डा चेंज होगा, जी नहीं चेंज होगा, स्मॉल ये दोनों डी नहीं चेंज होगे, मीडियम में ये कहानी हो जाएगी। लेकिन मीडियम में लैम्डा होता कितना है, तो लैम्डा डैश किसी भी मीडियम में एयर का म्यू टाइम्स कम होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को जो बीटा डैश है, उस बीटा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन म्यू, और यहाँ से कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। और यहाँ से तुम देखो जो बीटा डैश आ जाएगा, बीटा अपॉन म्यू जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा टाइम कम हो जाती है। अगर बीटा टाइम्स कम हो जाएगा तो नया जो फ्रिंज विड्थ बनेगा, पुराना कितना था बोलो, पुराना था 0.4, और नया जो आ जाएगा वो 4, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 4 कट गया, मतलब 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना इसमें से सही हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।